दोस्तों, पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा अपने आप में ही काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि इस पर न कि सिर्फ पूरी दुनिया की नजरें हैं, बल्कि इस दौरे के समय भारत और अमेरिका के संबंध अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, जो पूरी दुनिया के लिए काफी पॉजिटिव होगा। साथ ही जैसा कि हमने कहा था कि इस विजिट से हर घंटे बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है, तो अब इसी की कड़ी में हमें अमेरिका से एक नहीं बल्कि काफी सारी अपडेट देखने को मिली, जो भारत के अंदर एक नई डिबेट शुरू कर सकती है। क्योंकि एक तरफ तो भारत अमेरिका के साथ एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से आने वाले कई ऐसे स्टेटमेंट भारत को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में, जिन्होंने भारत पर बात करते हुए एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दी और ये बात खुलकर कही कि अगर वे पीएम मोदी से बात करते तो वे उन्हें यही नसीहत देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के जरिए भारत के अंदर माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिमों के अधिकारों पर ध्यान दे, ताकि भारत के अंदर ह्यूमन राइट, इंटरनेट एक्सेस और फ्रीडम जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो इससे भारत का बंटवारा भी हो सकता है। अब अगर ऊपर से देखें तो बराक ओबामा की यह स्टेटमेंट काफी ज्यादा बुरी लग सकती है, क्योंकि वह यहाँ पर सीधे ये बात कह रहे हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी राइट्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि आने वाले सालों में इससे भारत के अंदर भारी संख्या में हिंसा और अंत में पार्टीशन भी हो सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर हम इस बयान को डिटेल से समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि आज के समय में अमेरिकन मीडिया और ग्लोबल मीडिया ने साथ मिलकर भारत की छवि इस तरह से बनाई है कि भारत और भारतीय लोगों को लेकर दुनिया भर में कई मिसकंसेप्शन बन चुके हैं, जिन्हें और भी ज्यादा ताकत देने के लिए कई ऐसी रिपोर्ट अक्सर सामने आती रहती है जो भारत की छवि को गलत तरह से प्रदर्शित करे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बराक ओबामा का यह स्टेटमेंट एक ऐसे समय पर आया जब पीएम मोदी जो बाइडेन के साथ अपनी ऐतिहासिक मीटिंग करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर उनसे काफी कड़े सवाल भी किए गए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के अंदर लोकतंत्र और मानव अधिकार को लेकर सवाल किया, जिसे पीएम मोदी ने काफी शालीनता से कंट्रोल किया। दरअसल अमेरिकन रिपोर्टर के जवाब में पीएम मोदी ने यह बात खुलकर कही कि भारत संपूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक देश है, और जिस देश के अंदर मानव अधिकार सुरक्षित ना हो, बोलने की आजादी ना हो और वहाँ के लोग बिना किसी भेदभाव के ना रह सके, उस देश को हम लोकतंत्र मान ही नहीं सकते। जबकि इन सभी फील्ड्स में भारत दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि जमीनी स्तर पर भारत के अंदर लोकतंत्र काफी अच्छे से काम करता है, यहाँ तक कि भारत में होने वाले इलेक्शन अपने आप में ही एक मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश इतने बड़े स्तर पर इलेक्शन आयोजित नहीं कर सकता जितने बड़े स्तर पर भारत हर बार सफलतापूर्वक करता आया है। ऐसे में भारत के अंदर मानवाधिकार और आजादी के मुद्दे को लेकर कोई भी बयान देना तब तक गलत होगा जब तक कोई जमीनी हकीकत आकार ना ले ले, और ज्यादातर रिपोर्ट्स बिना किसी ग्राउंड रियलिटी के बनाई जाती है, इसीलिए इनमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। वहीं पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात खुलकर कही कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र बहता है और हम सबका साथ सबका विकास जैसी भावना के साथ काम करते हैं, तो ये तो कोई भी देश नहीं कह सकता कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है या फिर भारत के अंदर मानव अधिकार सुरक्षित नहीं। कुल मिलाकर समझे तो पीएम मोदी ने अपने जवाब से सभी को संतुष्ट कर दिया। इसी बीच जहां एक तरफ भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं पर दूसरी तरफ बराक ओबामा के बयानों से पहले अचानक से अमेरिका के 75 सांसद ने एक लेटर साइन किया, जिसमें उन्होंने भारत के अंदर मानव अधिकार, इंटरनेट एक्सेस और फ्रीडम जैसे मुद्दे को लेकर चिंता जताई और ये बात कही कि भारत को इन सभी पर काम जरूर करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ आम लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। हालांकि इन सभी गतिविधियों के बीच ये बात काफी हैरान करने वाली है कि चाहे बराक ओबामा हो या फिर अमेरिका के ये 75 सांसद, इन सभी के तमाम कहने और जोर देने के बावजूद जो बाइडेन की तरफ से एक भी भारत विरोधी बयान सामने नहीं आया और न ही अमेरिकन सरकार ने भारत को मानव अधिकार के मुद्दे पर जरा सा भी घेरने की कोशिश की, जो ये बात दर्शाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर काफी सीरियस है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका और भारत के संबंधों का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों की सरकारें काफी शालीनता से काम कर रही है। ऐसे में हम दोनों देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद है उसे दूर करके साथ मिलकर काम करें, जो हमारे और पूरी दुनिया के लिए काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, और अमेरिका की तरफ से यही देखने को मिला है। हालांकि कुछ बयान जरूर भारत के विरोध में देखे गए हैं, लेकिन उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और अमेरिका के इस रिलेशन के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।